Now today's topic is minimum connected time. Now we have to understand what is minimum connected time. The time required at the intermediate airport to connect two flights. दो फ्लाइट्स को एक वाया एयरपोर्ट पे कनेक्ट करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है दैट टाइम वी कॉल इट एज मिनिमम कनेक्टिंग टाइम. लेट्स से योर पैसेंजर वांटेड टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू ब्यूनस आयर्स. नाउ दिल्ली इज इन इंडिया, ब्यूनस आयर्स इज इन अर्जेंटीना. आपका पैसेंजर दिल्ली से ब्यूनस आयर्स जाना चाहता है. दिल्ली से ब्यूनस आयर्स के लिए कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं. इसका मतलब ये तो नहीं है कि योर पैसेंजर कैन नॉट गो टू दैट प्लेस. देन यू हियर दिस सिचुएशन, यू ओनली हैव टू फाइंड आउट द वाया पॉइंट. यहाँ ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपकी दिल्ली से दुनिया के हर एक जगह के लिए प्लेन उठे हो. मान लीजिए आपका पैसेंजर ऐसी सिटी में जाना चाहता है या ऐसी कंट्री में जाना चाहता है जहाँ से दिल्ली के लिए प्लेन अवेलेबल नहीं है. Then the, what is the option which you are having? तो उस केस में आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? Now here you only have to create the connection. इससे पहले हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे decoding of flight schedule and the transfer connections, उसमें जो भी फ्लाइट शेड्यूल था वो ऑलरेडी गिवन था आपको, पर यहाँ पे आप खुद एक फ्लाइट शेड्यूल क्रिएट कर रहे हैं. कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें मिनिमम कनेक्टिंग टाइम चेक करते हैं, वो आज हम आपको सुनाएंगे. लेट्स से योर पैसेंजर वांटेड टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू ब्यूनस आयर्स. आपका पैसेंजर दिल्ली से ब्यूनस आयर्स जाना चाहता है. दिल्ली से ब्यूनस आयर्स के लिए कोई फ्लाइट अवेलेबल